आप कुछ अर्जेंट मैटर पे डिस्कस करने आए थे? आ रहे हैं, मुद्दे पे आ रहे हैं। मलिक, आपको जल्दी बड़ी रहती है। अरे आपके ऑफिसर है ना करिश्मा सिंह, उनके बारे में बात करनी थी। उनके बारे में क्या सर? उनकी शिकायत आई है कि आप उनके मामले में बहुत अधिक हस्तक्षेप कर रही हैं। नहीं सर, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे वो जो करना चाहती है करने दीजिए ना। सर देखिए, हमें उनके किसी की मदद करने से बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि ये मामला सिर्फ एक सुपर टैलेंटेड लड़की का नहीं है, शायद किडनैपिंग का है। एक मिनट सर, सर ये देखिए, क्या ये बच्ची किसी भी एंकल से इस राजकुमार की बेटी लगती है? क्या मिस मलिक, आपकी ऑफिसर करिश्मा सिंह किसी गरीब की मदद करने की कोशिश कर रही हैं, तो आप इसमें एक नया एंगल जोड़कर इस केस को कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना चाहती हैं? सर बात कॉम्प्लिकेटेड की नहीं है, बात एक बच्ची की जिंदगी की है। अब मेरा ये ऑर्डर समझिए, मशवरा, आप इस केस में टांग नहीं अड़ाएंगी। जी सर। पुष्पा जी, कुआं नहीं है। मैया कसम सर, हम अपने हाथों से कोफ्ते बनाकर लेके आए थे आज। दिख रहा है कोफ्तों के अवशेष हैं, किंतु कोफ्ते नहीं है। समझ गए, ये सब उस करिश्मा मैडम का किया धरा है, ऐसी करती है वो। और आज तो हमने बोला भी था उन्हें कि ये टिफिन हम डीएसपी सर के लिए लेके जा रहे हैं, मगर देखिए ये करिश्मा सिंह ने किया। और नहीं तो क्या, कितने मन से आपके लिए लेकर आए थे ये कोफ्ते सर। हाँ तो मिस मलिक, आप क्या कह रही थी? हम सर कह तो आप रहे थे। अच्छा तो हम क्या कह रहे थे? कि हम करिश्मा सिंह के काम में टांग ना अड़ाएं। तो टांग अड़ाइए ना, जहाँ गलत है वहां तफ्तीश कीजिए। गलत करने वाला तो गलत होता ही है, गलत बर्दाश्त करने वाला भी गलत होता है, जहाँ गलत होता है वहां पे टांग अड़ाइए। सर लेकिन अभी तो आप गलत कह रही हैं, टांग अड़ाइए। यस सर। मजा आ गया। वेलकम टू लखनऊ आइडल, लखनऊ का अपना सिंगिंग कॉम्पिटिशन। राधा देखो, ये तुम्हारे लिए ना बहुत बढ़िया वाला मौका है, बहुत बड़ा मंच है ये। अगर तुम्हारा यहाँ सिलेक्शन होता है ना, तो तुम्हें कामयाबी का आसमान छूने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए दिल से और अच्छे से गाना और अपना पूरा प्रतिभा झोंक देना इसमें। क्षमा कीजिए मैडम। मैडम हम जैसे हैं, जहां हैं खुश हैं, हमें इस झमेले में नहीं पड़ना। एक मिनट, झमेला बोला अभी आपने? जी। आप टोपा हैं क्या? मतलब इतना सुनहरा मौका है, इसको आप झमेला बोल रहे हैं? आपको पता पूरा जिंदगी आपका बदल सकता है ये मौका? मैडम जिंदगी रहेगी तो बदलेगी ना, पुलिस से दुश्मनी लेके कौन जी पाया है। हाँ। नहीं मैडम नहीं। एक मिनट, आप क्या बात कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा, हम तो खुद आपका मदद कर रहे हैं आके। अरे मैडम जी, हम आपका बात नहीं कर रहे हैं, वो आपका थाना में दूसरी मैडम है ना, क्या नाम है, हसीना मैडम। अरे वो हमारा जीना हराम कर देगी अगर हम आपका बात मानेंगे तो। मतलब हम समझ नहीं रहे हैं। अरे वो आपकी हसीना मैडम जो है ना, वो हमको सवाल पर सवाल करके हमारा जीना दुश्वार कर दिया है, सच कह रहे हैं। अरे अरे आप बताइए ना, कुछ बोलिए ना। नौकरी कहाँ करते हो, कितने सालों से शहर में हो, मैडम इतने सवाल पूछती है, ऐसे लगता है कि हमारे परिवार ने कोई अपराध कर दिया हो। आप ही बताइए मैडम, इस शहर में एक इंसान के दो वक्त की चैन से रोटी नहीं खा सकता है क्या? हमें तो लगता है मैडम कि गरीब होना ही आपके कानून की नजर में अपराध है। ना भैया ना, हमें नहीं चाहिए ऐसी तरक्की जो हमारे जी का जंजाल बन सके। ना ना, चल बेटा चल। पर हमारे को जाना है, जीतना है ये शो, हमें बड़ा कलाकार बनना है। बापू हमको जाने दीजिए प्लीज। राधा बेटिया,
हमारा यहाँ कुछ नहीं होगा है। चलो जिद मत करो, चलो बेटा चलो चलो। नहीं 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 चलो चलो। तुम मैडम सर पे नजर रखोगे? मैडम सर पे? जी हाँ, मैडम सर पर नजर रखो। अगर उन्होंने फिर से राधा के माँ बाप से पूछताछ की तो तुम हमें सूचना दोगे तुरंत। अभी तो किसी भी तरह हम समझा बुझा लेंगे, लेकिन अगर फिर से मैडम सर ने राधा के माँ बाप से पूछताछ किया ना, तो ये राजकुमार इसको इस कॉम्पिटिशन में भाग नहीं लेने देगा। फालतू में इस बच्ची का फ्यूचर चौपट हो जाएगा, जो हम किसी भी हालत में होने नहीं देंगे। समझ गए मैडम। हाँ तो फिर कटो। जी मैडम। हेलो हेलो मैडम सर, जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय। इधर से बोल रहा है पिल्लू दस पाए। मैं अभी राजकुमार के घर के बाहर खड़ा हूँ, आगे क्या करना है बताओ। तुम्हें बिना किसी के पता चले घर में घुसना है और घर की तलाशी लेनी है, क्लियर? ओके। एक सेकंड मैडम सर, बिल्लू के पास सर्च वारंट नहीं, वो ऐसे कैसे तलाशी लेगा? बिल्लू, तुम्हें घर के अंदर घुस के ऐसा कोई सबूत ढूंढना है जिससे हम ये साबित कर सकें कि राधा राजकुमार की असली बेटी नहीं है। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? समझ गया, बिल्कुल अच्छे तरह से समझ गया। कोई ना बच पाए जिसके पीछे पड़ जाए बिल्लू द स्पाई। समझिए, हो गया। हो गया। मगर उसके लिए तुम्हें घर के अंदर जाना पड़ेगा ना, बाहर खड़े खड़े तो कुछ नहीं होगा। घर के अंदर जाओ जल्दी। एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब क्या हुआ बिल्लू? एक कॉल 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 आ रहा है। बिल्लू, जिसका भी कॉल आया बोलो, बाद में कॉल बैक करोगे? नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकते? पुष्पा जी, नेचर कॉल है, नहीं बोल सकता। मैं अभी दो मिनट में जाके आता हूँ। बिल्लू, टाइम नहीं है अभी बिल्कुल भी। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा घर के अंदर घुसने का। सब कुछ छोड़ के घर में जाओ। मैडम सर मुझे जाने दो, मैं फटाक से जाता हूँ, फटाक से आता हूँ। प्लीज प्लीज, बहुत जोर से आया है। बिल्लू जाओ। थैंक यू मैडम, हल्का होके आता हूँ। घर के अंदर जाओ। जाता हूँ जाता हूँ मैडम। हेलो करिश्मा मैडम, एक करारा खबर है। जो बिल्लू है ना, बिल्लू, हाँ चोरवा चोरवा, मैडम अभी ना वो अंदर गया है, लगता है कोई खुफिया मिशन पे है, अभी चोरी चोरी अंदर घुसा है मैडम। हाँ मैडम, ठीक है। गिर गया? बिल्लू सब ठीक है ना? तुम्हें कुछ नजर आ रहा है? हाँ, दिखा दिखा मैडम दिखा। क्या? बाथरूम। बिल्लू सबूत ढूंढो। मैडम सर, दो मिनट में हो क्या आता, दो मिनट में। बिल्लू सबूत। हाँ हाँ सबूत ढूंढता हूँ। मैडम सर चिल्लाइए मत, प्रेशर और बढ़ रहा है। ढूंढता ढूंढता सबूत ढूंढता। मंदिर कमरे में जा रहे हैं। मैडम सर, मैं अलमारी में बैठा हूँ चुपके, कोई इधर ही आ रहा है। मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं
बहुत याद आ रही है थारी अम्मा, पर अब हम घर वापस लौटकर कभी आऊंगा नहीं, कभी नहीं आएंगे। मैडम सर ये तो राधा बिटिया, मैडम सर मैं अलमारी में लॉक हो गया हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे राधा बेटिया तुम यहाँ हो, सारा घर छान मारे हैं, देखो तुम्हारे लिए हलवा बनाया है, लो खाओ। मम्मी मुझे भी दो ना हलवा। तुमको देंगे बाद में, पहले राधा दीदी खा ले। सब कुछ दीदी को ही मिलता है। अरे हाँ समझो हमारा बात, ये हलवा जो है वो राधा दीदी को खाने दो है। नहीं ओके बात तो ये घर पैसा हलवा का चॉकलेट भी तुम्हारा है, जाओ खेलो जाओ। अरे राधा बेटिया तुम ये कोने में काहे बैठी हो रूठ के, अरे देखो तो तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारे लिए का बनाया है, तुम्हारा मन पसंद सूजी का हलवा, वो भी शुद्ध देसी घी में। चलो चलो मुंह खोलो खाओ खाओ। नहीं खाना। अरे काहे नहीं खाना बेटिया है, इतना प्यार से तुम्हारे लिए जो बनाए आओ खा लो। मारे को हलवा नहीं खाना, मन ने लखनऊ आइडल जाना है बापू, भेज दो ना। मैं आपको बोल रहा था, मिन्नती कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, लेकिन आपने मुझे जाने नहीं दिया। अब अनर्थ हो जाएगा अलमारी में ही। बिल्लू बिल्लू तुम शांत रहो, हम तुम्हें वहां से बाहर निकाल लेंगे, लेकिन फिलहाल जरा चुप रहो, हमें उनकी बातें सुनने दो। मैडम सर फोन फोन गया 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 गया। हेलो हेलो बिल्लू, हेलो क्या हो गया? लगता है बिल्लू के फोन की बैटरी खत्म हो गई, हमें इसे किसी भी कीमत पर वहां से निकालना होगा। चलिए हम अच्छे से समझ सकते हैं थारा डर, जो ही डर है ना आप लोगों को कि अगर मैं टीवी पर आ गई तुम्हारे असली माँ और बापू को मारा पता चल जाएगा, यही डर सता रहा है ना आपको। कोई चिंता कोनी, कह देंगे कि आप दोनों ही मारे असली माँ और बापू को और कोनी, इतना भरोसा तो आप कर ही सकते हो ना हमारे पर। हम कहीं नहीं जाएंगे आप लोगों को छोड़कर, बस हमें लखनऊ आइडल में गाना गाने दो, और इनाम भी तो कितना बड़ा मिलेगा ना, अगर हम जीतेंगे तो हमें पूरे 1 करोड़ मिलेंगे। राधा बेटिया तुम तो नहीं बाहर जाओ, हम आते हैं जाओ। अरे नीलम 1 करोड़ रुपए। अरे क्या 1 करोड़ रुपए कह रहे हैं? अरे वो पुलिस वालों का क्या करेंगे, वो सोचा है क्या? अरे वो की टेंशन तुम मत लो। अरे हाँ वो के लिए हुए है ना करिश्मा मैडम, अरे देखे हैं हम दोनों को, फुल नोटिस किए हैं, दोनों मैडम का आपस में बिल्कुल नहीं बनता। अरे करिश्मा मैडम को ये कतई पसंद नहीं कि हसीना मैडम उनके काम में टांग अड़ाए। बस इसी चीज का फायदा उठाएंगे हम, फिरवा देंगे दोनों को, फिर उनका टशन और अपना जशन। अरे वादा ले लेंगे करिश्मा मैडम से कि हसीना मैडम को हमसे दूर रखें। बस फिर एक बार पैसा हाथ में आ गया तो हम इस शहर से। अरे लेकिन अन्नू के बापू वो राधा का क्या करेंगे? थक तेरे की, तुम ना कभी कभी बकलोल जैसी बातें कर देती हो। अरे इस राधा को क्या उम्र भर अपने साथ रखेंगे? एक बार करोड़ रुपया हाथ में आ गया तो उसको छोड़ देंगे यहीं पे, नहीं तो हमेशा के लिए गायब कर देंगे। अरे टंटाई खत्म। कैसे कैसे लोग है ये, बच्चे के साथ ऐसा कर रहे। वाह अन्नू के बापू, अरे इसी बात पे मुंह मीठा करो, का दिमाग पाए हो। अरे नहीं नहीं हम नहीं, हमारे लिए तो बनाया है, खाओ खाओ। जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम। आप बहुत तूफान की तरह बाइक चलाती हैं, लेकिन आगे बोलोगे? मैडम बिल्लू द स्पाई जो है अंदर ही गया है और अभी भी अंदर ही है वो। बहुत बढ़िया काम किया, अब देखो कैसे हम मैडम सर का घुसपैठ सबके सामने लाते हैं। उस बिल्लू द स्पाई को पकड़ के ना मैडम सर के सामने ला के रख देंगे, फिर देखते हैं वो अपनी सफाई में क्या कहती हैं।
बहुत होशियार समझती है अपने आप को, अब हम उनको बताते हैं कि हमसे होशियार कोई नहीं है यहाँ पर। चलो हम जाते हैं अंदर। मैडम मैडम, हम बहुत अच्छा काम किए हैं ना। हाँ मैडम, हमारा सस्पेंशन कैंसिल करवा दीजिए ना प्लीज। हाँ ठीक है, परसों करा देते हैं। ठीक है मैडम। वैसे मैडम 2 ही दिन का सस्पेंशन है। अच्छा, हम आते हैं अंदर से। ऑल द बेस्ट मैडम। हाँ ठीक है, याद रखना सब लोग, हमें बहाने से घर के अंदर घुसना है और बिल्लू को बचाना है। क्लियर? जी मैडम। चलिए मैडम, अब आप इतना कह ही रही हैं तो ठीक है, राधा को भेज देते हैं लखनऊ आइडल में। पर मैडम आपसे एक विनती थी। जी। वो हसीना मैडम से और उनके प्रकोप से आप हमें बचा लीजिएगा। आप बेफिक्र रहिए, राधा और उसके सपनों के बीच में हसीना मैडम तो क्या कोई भी नहीं आ पाएगा। पक्का ना मैडम? हैं, हसीना मैडम हमको परेशान तो नहीं ना करेगी? हम, आप भी क्या बात कर रही हैं, पूरा दुनिया जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। राधा ये शो जरूर करेगी और जीतेगी भी, हमें इसकी प्रतिभा पे ना पूरा भरोसा। अब बेटा बिल्लू तुम्हारी बारी, पकड़ेंगे तुम्हें रंगे हाथ। पता है तुम दोनों को देख के ना हमें हमारा बचपन याद आ जाता है। तुम्हारा उम्र में ना हम छुपन छुपाई खेला करते थे। तुम दोनों खेलोगे हमारे साथ छुपन छुपाई? अरे हाँ दीदी, छुपन छुपाई खेलते बहुत मजा आएगा। ये हुआ ना बस, हम भी खेलेंगे छुपन छुपाई। अरे आप सब हमें ऐसे हैरानी से क्यों देख रहे हैं? हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेकर चलते हैं, इतनी होनहार बच्ची है, उसकी हौसला अफजाई तो होनी चाहिए ना। ये लो तुम्हारे गिफ्ट्स। थैंक यू। थैंक यू। यू आर वेलकम। हाँ दीदी, छुपन छुपाई खेलते बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल खेलते हैं, तो चलिए शुरू करें फिर। सबसे पहले डेन कौन देगा? अक्कड़ बक्कड़ कर लेते हैं मैडम सर। मैं करती हूँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पो, 80-90 पूरे 100-100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। अरे मैडम सर। हम अच्छा चलिए ठीक है शुरू करते हैं। चलिए चलिए आप लोग जाकर छुपिए, हम गिनना शुरू करते हैं। हाँ तो हमें कहाँ छुपना है बताओ तो। 3, 4 अम्मा कहाँ छुपे हो तुम बिल्ले? 5, 6, 7, 8, 9, 10 करिश्मा सिंह, आप पकड़ी गई, हमने आपको देख लिया। अनु पकड़ी गई। और राधा भी पकड़ी गई। आजा आजा बाहर आजा, अब तो आप सब तो पकड़े गए लेकिन फिर भी कोई तो बाकी है ना। और पकड़े गए। आइए आइए, दिख गए आप दोनों हमें। अरे हम तो पकड़े गए। चलिए जाइए जाइए, अब आपकी बारी। जाइए जाइए, हमें छुपना भी है। जाइए जाइए।
वन चलो 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 थ्री फोर कहाँ हो बिल्लू? अरे अरे ये क्या कर देखो क्या है ना कि हम सब अगर एक साथ एक जगह पर छुपेंगे तो साथ में पकड़े जाएंगे ना, इसलिए कहीं और जाकर छुपो। मातुम इस कमरे को छोड़कर कहीं भी और छुपो। जी मैडम चलो चलो चलो। बिल्लो तुम जिंदा हो? मैडम सर मैं तो भूत बन गया हूँ। ये तो और भी अच्छा है, फिर खुद ही बाहर आ जाओ। मैडम सर मजाक कर रहे हैं आप। शुरू किसने किया? सॉरी सॉरी सर, मैडम सर मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालिए, नहीं तो गजब हो जाएगा। उतरो 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 आराम से आराम से आराम से आराम से। चलो 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 थाना थाना थाने जाके कमरा थाना जाके चलो 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 जल्दी चलो। और ये आई स्पाइस और ये डब्बा। पकड़े गए। चलो 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 थाना थाना थाने जाके कमरा थाना जाके चलो 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 जल्दी चलो। और ये आई स्पाइस और ये डब्बा। पकड़े गए। बिल्कुल ठीक कहा, पकड़े गए। हाँ? चोर चोरी से ना जाए लेकिन हेरा फेरी से जाए। हमें लगा था कि तुम सुधर गए होगे बिल्लू चिंपत, लेकिन तुम तो फिर यहाँ पहुंच गए चोरी करने के लिए। बल्टी? हाँ, मैं कहा चोर चोर मैं कहा। अरे भाग कहाँ रहे हो बिल्लू चंपत? पुष्पा जी संतोष आइए। अरे हिलना बंद करो। अरे मैं कहा हिल रहा हूँ, आप ही मुझे झिंझोड़ रहे। आराम से आराम से पकड़ के ले जाइए इसे। मैडम ये सब क्या हो रहा है? ये बिल्लू चंपत है, आपके घर में घुसा हुआ था, चोरी करने के इरादे से आया था। हाँ बिल्कुल, देखिए हमें लगा था कि ये सुधर चुका होगा, लेकिन ये थाने में आने वाले लोगों को ही अब निशाना बनाने लगा है। लेकिन घबराइए मत, हमने इसे पकड़ लिया है। मैडम सर ने इसे पकड़ लिया। हाँ पकड़ लिया। दो मिनट के लिए छोड़ दो। ले जाइए इसे, ले जाइए, मुझे बाथरूम में बंद कर दो। बिल्लू चंपत वाह बहुत बढ़िया काम किया तुमने। मतलब कानून के दायरे में रह के ही कानून को तोड़ते हो तुम। मिलो अब सीधा हमारा मुलाकात ना थाने में ही होगा। पुष्पा जी थाना बहुत दूर नहीं होगा। चलो चोर चलो चोर सही के चलो चोर चलो। Welcome to the audition round of Lucknow Idol, जहां हम तलाश कर रहे हैं लखनऊ के सिंगिंग स्टार की। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, क्या नाम है आपका? राधा। अच्छा तो राधा आप हमें क्या सुनाएंगी? उससे पहले मैं आप लोगों को किसी से मिलवाना चाहती हूँ, अगर आपको कोई नहीं, 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 हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। सर आधा ये बताओ आप हमको किससे मिलवाना चाहते हैं? हमारी करिश्मा दीदी पुलिस में पर हमारे लिए भगवान समान है, उनकी वजह से तुम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर वो नहीं होती तो हमारे सपने सपने ही रह जाते। तो देरी किस बात की, बुलाइए। करिश्मा दीदी आ जाओ। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बच्ची को सपोर्ट करने के लिए। वैसे आपका इस बच्ची को सपोर्ट करने के पीछे क्या कारण है? सबसे पहला कारण तो राधा का हुनर है। संगीत के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, पर राधा की आवाज में कुदरत का नूर है। उसके होने का एहसास होता है तो हमें लगा कि एहसास पूरी दुनिया तक पहुंचना चाहिए। सच कहे तो एक और वजह है हमारे इस प्रयास के पीछे, और वो ये है कि आर्थिक रूप से हम भी कोई बहुत बड़े घर से नहीं थे, काफी गरीब परिवार में पैदा हुए थे हम। एक वक्त की रोटी के लिए हमने अपने
अपने माँ बाप को जिंदगी से जूझते भी देखा है, लेकिन फिर भी हमारा सपना था पुलिस ऑफिसर बनने का। हमने बनकर दिखाया, आसान नहीं था लेकिन कर दिखाया। हमें राधा में हमारा खुद का झलक दिखाई देता है। इसके अंदर भी ना वो इज्जत है और वो ही जज्बा है जो हमारे अंदर है। ये भी अपने सपने जरूर पूरे करेगी। जिस मंजिल तक ये पहुंचना चाहती है वो ये उस मंजिल तक पहुंच के रहेगी, ये हमारा दिल कहता है। और तब तक के लिए हम इसके साथ हैं, इसकी करिश्मा दीदी। ऑल द बेस्ट राधा, हम सबकी दुआएं और शुभकामनाएं तुम्हारे साथ। तो शुरू हो जाए। ये मंच तुम्हारा है राधा, दिल से गाना, तुम ही जीतोगी। ऑल द बेस्ट। You are selected for the next round. Radha, you sing so well. Aap is entry ticket ke haqdaar hain. Nahi, hum ye janna chahte hain ki ye Billu Rajkumar ke ghar pe kya karne gaya tha? चोर है, चोरी करने जाएगा ना, और क्या करने जाएगा। अच्छा, वैसे भी मैडम सर ने पकड़ लिया ना उसे रंगे हाथों। तो अच्छा, मतलब शहर के इतने बड़े बड़े सेठ को छोड़ के बिल्लू चोरी करने गया है वो गरीब राजकुमार बेचारा उसके किराए के घर पर। क्यों, वहां पे तो अली बाबा का अकूत खजाना गड़ा हुआ है ना। नहीं, क्या लगता है पुष्पा जी, यहाँ पे अदरक लिखा हुआ है कि जिसमें मिलता है उसमें कूट के मिला दीजिए। देखिए, अब जो है सो है। क्या अदरक लिखा हुआ है? नहीं नहीं, हम कह रहे थे कि जो सच था वो हमने बता दिया। सच ये नहीं था, सच ये था कि ये मैडम सर के कहने पे वहां पर गया था, जबकि हमने मैडम सर को मना किया था कि राजकुमार उसके घर से दूर रहे। लेकिन नहीं मानती ना वो, क्योंकि आदत से मजबूर है, बाल का खाल उधेड़ना है उनको। अमा, अगर कुछ गड़बड़ होता तो हमको आभास नहीं होता। हमने क्या आज फोर्स ज्वाइन किया है? इनके साथ ना यही दिक्कत है, इनको लगता है कि सारी दुनिया बस इन्हीं से जलती है। कुछ कहा आपने पुष्पा जी? हाँ, पुष्पा जी कह रही थी। नहीं, कुछ नहीं कहा हमने। नहीं नहीं, कुछ कहा है। आप क्या, जब हमें दिल में भी कोसती है ना, हमको आभास हो जाता है। अब तो आप हमारे सामने खड़े होके अपने मुंह से शहद टपका रही हैं हमारे लिए। बताइए, जहर बन जाएगा वो अंदर, बताइए बताइए। पुष्पा जी, घर की बात है, मन की बात है, बोल दीजिए। हाँ हाँ, बोल दीजिए बोल दीजिए। इसलिए उकसा रहे ना कि हम मुंह खोल दे और आपको वजह मिल जाए हमें सस्पेंड करने के लिए। सब जानते हैं हम, पुष्पा है पुष्पा। वेरी गुड वेरी गुड पुष्पा जी, वेरी गुड। हाँ, तो हमें संतोष समझने की कोशिश मत कीजिएगा आप। हाँ हाँ, जय हिंद मैडम। जय हिंद। हमारा सस्पेंशन का पीरियड नहीं से खत्म हो गया, हमको बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है ना। मतलब चीता चतुर्वेदी फिर से महिला पुलिस थाना की सेवा में हाजिर है। लेखिनिका मैडम, आते आते हम ही सुने कि बिल्लू जो है किसी चोरी में रंगे हाथों पकड़ा गया। अरे बाप रे बाप, गलत बात। बिल्कुल सही सुना है चीते तुमने, बिल्कुल सही सुना है। बहुत गलत किया है बिल्ला तुमने, मैडम सर के साथ मिलके जो हमारे साथ धोखा किया ना, तुम देखो, तुम लिखवा दिया एफआईआर राजकुमार ने तुम्हारे खिलाफ। तुम देखो, तुम्हारा ऐसा तुड़ाई करेंगे ना हम कि आज के बाद लोग तुम्हें बिल्लू चंपत के नाम से नहीं, लहराता बिल्लू के नाम से जानेंगे, क्योंकि आज के बाद तुम सीधा तो नहीं चल पाओगे बे। पुष्पा जी, वाह 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 मैडम वाह, क्या उत्तम ख्याल है आपके। तुम तो सस्पेंड ही ठीक थे, है ना। अब आ गए, अब तुम्हारी छाती पे मूंग डलेंगे बाबू। एक मिनट रुको मैडम, एक तो पर्सनल लेवल पर ऐसे सवाल था, जब तुड़ाई का आप ठान ही लिए हैं तो मैडम। एक सेकंड पुष्पा जी, आप शुरू कहाँ से करना चाहेंगे? मतलब पैर से या फिर हाथ से या फिर सीधा सीधा ही मैडम सर से? क्या पुष्पा जी, मैडम सर तुमको अभी बताते हैं, तुम रुको।
पुष्पा जी वहां रखा हुआ बड़ा वाला में। हाँ। पुष्पा जी कुछ कीजिए पुष्पा जी। सबको पिन 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 पिन। गलत बात है पुष्पा जी, गलत बात है। चुप चुप चुप। अरे पुष्पा जी चुप। मैडम अंदर चल, अंदर चल। अरे हम भाग गया, भगा दिया गया। बिल्लू भाग गया, भगा दिया गया। भाग गया बिल्लू, बिल्लू भाग गया, भगा दिया गया। मैं भाग गया बिल्लू। अरे करिश्मा जी, करिश्मा जी अच्छा हुआ आप अठे मिल गई। आप तो साक्षात देवी का रूप है, क्यों बोलो ना। आप तो हमारे लिए भगवान जैसे मैडम जी। जैसे भगवान अपने हर भक्त का हर दुख हर लेता है जी, वैसे ही आपने भी हमारी जिंदगी का हर दुख हर लिया है जी। आप कौन हैं और आप क्या बोले जा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैडम जी क्या है ना कि हम है शंकर, यह हमारी घराली मालती, हम राधा के माँ बाप है। क्या बताए मैडम जी, कई साल पहले हमारी बच्ची मुझसे बिछड़ गई थी, तब से तो मैंने आस ही छोड़ दी थी कि वो वापस कभी मिलेगी भी कि नहीं। लखनऊ आइडल में जब से आपके साथ में राधा को देखे हैं जी, हमको तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ओ जी हमको तो विश्वास ही नहीं हुआ कि इतने सालों के बाद हम राधा को देख रहे हैं जी। हमारे असली माँ और बापूजी ये हैं। आप नहीं। खड़े खड़े देख क्या रहे हो, बोलो ना। क्या हाँ हाँ बोलो। ओ, ओ, ओ जी मैडम जी क्या है ना कि ये बहुत छोटी थी जी, अब इसको क्या याद रहेगा मैडम जी है। करिश्मा दीदी हम सच कह रहे हैं, ये हमारे असली माँ बापू नहीं है, आप प्लीज इन्हें जाने के लिए कहिए। बेटा ये तू क्या कह रही है। एक मिनट, सबसे पहले तो आप बच्ची से दूर रहिए, जब तक झूठ और सच का फैसला नहीं हो जाता है आप दूर रहेंगी, दूर हटिए, जाइए उधर जाइए। और क्या प्रमाण है आपके पास कि ये आपकी बेटी है। तो इनके पास क्या प्रमाण है कि ये इनकी बेटी है। सबूत ये बच्ची है, क्योंकि अपने मुंह से बता रही है कि इसके असली माँ बाप ये हैं, आप नहीं। अरे बच्चे को बहकाना एक कौन सी बड़ी बात होती है, अब ये पता ये सब इसी का सिखाया पढ़ाया पाठ हो। अब रही सबूत की बात, तो पैटर्निटी टेस्ट करवा लो जी, मालूम पड़ जाए कि असली माँ बाप कौन है। अरे भाई कौन सा टेस्ट होता है ये। एक तरीके का ब्लड टेस्ट होता है, पैटर्निटी टेस्ट, जिसमें माँ बाप और बच्चे दोनों का डीएनए मैच किया जाता है, उससे पता लगाया जाता है कि असली माँ बाप कौन है। बस कीजिए आप सब, हम सब समझ रहे हैं। अरे ये सब उस शो की वजह से हो रहा है, वो लखनऊ आइडल। अरे मैडम जी कल तक हमको कोई जानता नहीं था, किसी को कोई खबर नहीं थी कि हम जी रहे हैं कि मर रहे हैं, और आज देखो थोड़ा सा बच्ची का नाम क्या हो गया, आ गए बच्ची पे दावा करने के लिए। हम सब समझ रहे हैं मैडम, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि कल को बच्ची बड़ी कलाकार हो जाएगी, उससे पैसे आ जाएंगे। लेकिन मैडम हमें माफ कीजिए, हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए जो हमसे हमारी बच्ची छीने। चल बेटा यहाँ नहीं रहना, चलो तुम भी। अरे अरे बोलू नो। मैडम जी ये ना मानेगा इस तरह, आप एफआईआर करो अभी इसी वक्त, और अंदर करो इन दोनों को। अब तो कोर्ट ही फैसला करेगा कि राधा के असली माँ बाप कौन है। तो करिश्मा सिंह अब क्या कहेंगे आप, आपको लगता है ना कि राजकुमार राधा का असली बाप है, तो फिर उसे पैटर्निटी टेस्ट से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। तो क्यों डर रहा है वो। कॉपी पेस्ट, यहाँ मैं आया था पहले, फिर यहाँ से यहाँ गया था, यहाँ देखा, ओह कहाँ गिरी मेरी अंगूठी, फिर बाथरूम गया था ऐसे, यहाँ भी नहीं है मेरी अंगूठी, कहाँ गई, यहाँ से यहाँ गया था, मेरी अंगूठी मिल गई। बिल्लू भाग, अंदर चलो सामान पैक करना है। अरे ये कहाँ आ गए, अलमारी नहीं, अलमारी नहीं, कहाँ छुपू, कहाँ छुपू, यस
कहाँ है वो सामान? अरे सुनिए तो हमारा क्या है? अरे कहाँ कर रहे हैं? इतना अच्छा मौका छोड़कर कौन जाता है कहाँ? अरे पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो हमारे हाथ से सोने के अंडे देने वाली ये मुर्गी भी चली जाएगी। अरे ये सारे ठाट राधा की वजह से तो है। क्या चाहती हो? नहीं चाहती हो? चाहती हो ना? चाहिए चाहिए। तो सामान बांधो ना यहाँ। अभी बांधते हैं। अभी बाइक कहाँ रखे हैं हम? बापू आप एक बार हमारी बात तो सुनिए। अगर हम यहाँ पर नहीं होंगे तो हमारे सपने कैसे पूरे होंगे? हम लखनऊ आइडल कैसे बनेंगे बापू? बेटा जाना तो हम भी नहीं चाहते पर क्या करें, मजबूरी है। अगर तुम्हारे माँ बाप ने टेस्ट करवा लिया तो पुलिस वाले हमको पकड़ के ले जाएंगे। अरे तुम कपड़े धोना दीजिए। नहीं बाबू ऐसा कुछ भी नहीं होगा। राधा बिटिया यहाँ रहेंगे तो यही होगा। नहीं माँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चाहे कोई भी टेस्ट हो जाए वो हमारे असली माँ और बापू निकल ही नहीं सकते। कहाँ कह रही हो राधा? अरे तुम तो कितने छोटे थे जब हमको मिली थी। तुमको अपना माँ बाप का शक्ल भी याद है का? है? मैं अभी आपको बताती हूँ। कहाँ कर रही है छोरी? कहाँ ढूंढ रही है? वो हमारे असली माँ बापू हो ही नहीं सकते क्योंकि ये हमारे असली माँ बापू हैं। और कितने दिन आंसू बहाएगी वह छोरी के लिए जो परिवार पे दाग लगा के घर छोड़ के चली गई, चली गई अपने माँ बाप को छोड़ के। हजार बार बोलिया है, आज फिर बोल रहा हूं और मरते दम तक बोलूंगा कि मारी राधा नाम की कोई छोरी नहीं थी। वो झूठे हैं, उन्होंने झूठ कहा कि हम उनकी बेटी हैं। पर बेटा तुम तो हमेशा यही कहती थी कि तुमको कुछ याद नहीं है कि तुम्हारा माँ बाप कौन है, तो फिर ये क्या है? झूठ कहा हमने। का? पर का है? क्योंकि हमें वापस लौट कर बापू के पास नहीं जाना था। हमें गाना गाना था, बड़ा कलाकार बनना था, जो बापू नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। वो मेरे गाने के खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि हमारे घर में लड़कियों को गाने की इजाजत नहीं है, यही हमारे घर की परंपरा है। एक दिन बापू ने हमें गाते हुए पकड़ लिया, बहुत डांटा हमको, हमें एक थप्पड़ भी लगाया। हमें बहुत बुरा लगा, बापू के थप्पड़ का नहीं, उन्होंने हमें गाने से मना किया। इसलिए उसी दिन सोच लिया था मैंने कि मैं तो यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं गाऊंगी, मैं एक बड़ा कलाकार बनूंगी और अपने बापू को दिखाऊंगी लड़कियां भी गा सकती हैं। बस एक दिन मौका देखा और भाग गई। फिर आप लोग मुझे अपने घर ले आए और फिर अब जो मुझे लग रहा है कि मेरा सपना पूरा होने जा रहा है, अब शहर छोड़ने की बात कर रहे हैं। भगवान के लिए बापू आप ऐसा मत कीजिए, प्लीज हमें शो में गाने दीजिए। अरे बिटिया देखो बात निकली है ना तो पुलिस छानबीन तो करेगी और अगर उन्हें सच का पता चल गया तुम हमारी बेटी नहीं हो तो तू कहाँ होगा है? नहीं माँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो जाए हम आप लोगों का साथ नहीं छोड़ेंगे। मान जाओ बापू हम इस चुहिया के लिए नहीं कह रहे हैं, हमारे सारे दोस्त भी तो यहाँ रहते हैं, उन्हें कितना बुरा लगेगा कि हम शहर छोड़ के जा रहे हैं। चुप, दोस्तों को बुरा लगेगा? अरे तुम क्या देख रही हो, सामान बांधो अपना भी और राधा का भी, जल्द से जल्द यहाँ से निकलते हैं वरना सारी उम्र जेल में बितानी पड़ेगी। चलो चलो। अरे चलो ना बच्ची, चलो चलो तुम भी, चलो तुम भी चलो। अरे आ जाओ, सारा सामान आ गया ना, चलो 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 चलो। अरे मैडम सर को बताना पड़ेगा, ये तो भागने की फिराक में। गुड जॉब गाइज, आप लोगों ने अच्छा काम किया। मैडम जी ये तो आपका बड़प्पन है जो आपने हमें छोटे छोटे कलाकारों को ये सुभ काम करने का मौका दिया। अच्छा मैडम जी किसी को शक तो नहीं हुआ? नहीं नहीं किसी को कोई शक नहीं हुआ। आप लोगों ने अच्छा काम किया। वैसे पुष्पा जी को भी थैंक यू बोलना चाहिए, उन्होंने ही हमें बुलाया। हाँ हाँ थैंक यू तो हमें भी कहना चाहिए। इकबाल। हाँ मैडम सर, क्या चाहिए आप? कुछ नहीं चाहिए, शांति से काम करो। ओके। हम क्या कह रहे थे? हाँ पुष्पा जी को तो हमें भी थैंक्स कहना चाहिए, अच्छा वो उन्होंने अपने लेवल के एक्टर्स नहीं बुलाए। खैर महिला पुलिस थाने पर आपको तब तक प्रेशर बना के रखना होगा जब तक राजकुमार और उसकी पत्नी पटर्निटी टेस्ट के लिए मान नहीं जाते। हो जाएगा? जी हो जाएगा। ग्रेट, ये लीजिए आप लोगों की फीस। जी रखिए संभाल के। बहुत बढ़िया मैडम सर, बहुत बढ़िया।
नहीं मतलब एक्टिंग तो काबिले तारीफ थी आपके इन उच्च कोटि के कलाकारों की, पर उससे भी काबिले तारीफ है आपका कथा पटकथा और संवाद। मतलब मकसद खुद को सही साबित करने का, उसके लिए आपसे जो बन पड़ा आपने कर दिया। करिश्मा सिंह, हम जो कुछ भी कर रहे हैं राधा की भलाई के लिए कर रहे हैं, भले आप समझें या ना समझें। बस मैडम से बहुत हो गया, आपका बहुत देख लिया हमने, आपका बहुत सह लिया हमने, लेकिन अब और नहीं। हमने राधा को उसके मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक बीड़ा उठाया है और उसको वहां तक पहुंचाने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे, और उसके आड़े अगर कोई आया ना तो अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जब हमको पता ही चल गया कि ये सारा खेला और ये सारा नौटंकी आप ही का रचाया गया है, तो अब आपको हमारे साथ आना होगा राजकुमार के घर पे, राजकुमार को सारा सच्चाई बताना होगा और उनसे माफी मांगना होगा, ताकि वो लखनऊ आइडल में राधा को भाग लेने दे और राधा खुशी खुशी अपने कामयाबी की पहली सीढ़ी पर कदम रखे। हम किसी से माफी नहीं मांगेंगे करिश्मा सिंह, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि राजकुमार राधा का असली बाप नहीं है, और हम ये बात साबित करके रहेंगे। ठीक है, फिर हम भी आपके तरीका से चलते हैं, गिरफ्तार करते हैं आपके इन कलाकारों को धोखाधड़ी के इल्जाम में, और स्टेटमेंट देंगे कि आपके कहने पर इन्होंने ये धोखाधड़ी की है, फिर देखते हैं कि इंक्वायरी कब होती है। नहीं नहीं मैडम जी, ये लीजिए पैसे, हमें नहीं चाहिए आपकी फीस, माफ कर दो हमको मैडम जी। चलो, लेकिन आप लोग एक मिनट हमारी बात तो सुनो। चलो, मैडम सर, राजकुमार राधा को लेकर शहर छोड़कर जा रहा है। ये लीजिए मैडम आप अपने पैसे, हमें नहीं चाहिए आपकी फीस, माफ कर दो हमको मैडम जी। चलो, लेकिन आप लोग एक मिनट हमारी बात सुनो। चलो चलो, मैडम सर, राजकुमार राधा को लेकर शहर छोड़कर जा रहा है। हमें लगता है बिल्कुल ठीक कह रही है करिश्मा सिंह, इस सब के चक्कर में हम राधा और उसके लखनऊ आइडल बनने के सपने के बारे में तो भूल ही गए। हमें भी लगता है कि हमें घर जाकर उन सब से माफी मांगनी चाहिए। इनफैक्ट इस नेक काम में देरी क्यों, चलिए अभी चलते हैं। चलिए, जा रहे थे आप लोग? छुट्टी। दरअसल बात यह है कि हम यहाँ आप सबसे माफी मांगने आए हैं। वो जो दो लोग आए थे जो खुद को इनका माँ बाप कह रहे थे, वो तो फ्रॉड निकले। जी हाँ, हमने थोड़ी सी सख्ती से उनसे पूछताछ किया कि वो तो भाग खड़े हुए। देखिए, हमें बहुत बुरा लग रहा है कि इस सब के चक्कर में खामखा हमने आपको इतना परेशान किया, लेकिन हम अब आपसे वादा करते हैं कि हमारी तरफ से आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। इसलिए आप रुकिए, बच्ची को लखनऊ आइडल में पार्टिसिपेट कराइए, हम आपके साथ हैं। बापू, अब तो इन्होंने भी कह दिया, अब तो रुक जाओ। कॉकरोच? अरे पेस्ट कंट्रोल नहीं करवाते? अरे इतने कॉकरोच तो मेरे बिल्लू निवास में भी नहीं है। बिल्लू, शर्म नहीं आती ना तुम्हें? तुम नहीं सुधरोगे, चलो थाने, चलो चलो, अब तो दिखाते तुम्हें। चलो करिश्मा दीदी जी, थैंक यू, वेलकम। तुमको जीतना है, ऑल द बेस्ट। सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि राधा के असली माँ बाप कौन हैं और कहाँ हैं, और वो क्या वजह है जिस कारण वो बच्ची अपने घर नहीं जाना चाहती, अपने परिवार के पास लौटना नहीं चाहती। देखिए, हो सकता है कि वो उसे गाना नहीं गाने देते, वो एक वजह हो, या फिर उसके साथ किसी तरीके का कोई दुर्व्यवहार हो रहा हो। जो भी हो, जब तक सच सामने नहीं आता हम उस बच्ची की मदद नहीं कर पाएंगे। मैडम सर, ये राजस्थान में कुछ शास्त्रीय संगीत सिखाने वाले बड़े बड़े गुरुओं के नामों की लिस्ट है, और जहां जहां ये रहते हैं उनके आसपास के थाने से भी कॉन्टेक्ट किया है।
कहीं से कोई रिस्पांस मिला? जी मैडम सर, जोधपुर के थाने से रिस्पांस आया। वहाँ के जाने माने क्षेत्र के शास्त्रीय संगीत के गुरु श्री आचार्य गंगाधर जी की बेटी पिछले कई सालों से गायब थी, जिसका आज तक कुछ पता नहीं चला। बेटी की फोटो देखना चाहेंगे आप? हाँ हाँ बिल्कुल, ये देखिए। मैडम सर ये तो राधा है। इसका मतलब हमारा शक सही था, ये बच्ची गुमशुदा है। हाँ। संतोष शर्मा गुड जॉब। पुष्पा जी। जी मैडम सर। जहां तक हमें लगता है फिलहाल सनी चड्डा भी जोधपुर में ही है ना, किसी न्यूज के चक्कर में? जी मैडम सर वो वही है। वहाँ किसी एक कुएं में 8 पैरों वाला रात के अंधेरे में चमकने वाला मेंढक देखा गया है। उसी मेंढक की फोटो खींचने के लिए वो उस कुएं के बाहर पिछले 8 दिनों से बैठा है। पुष्पा जी सनी चड्डा को फोन लगाइए, उससे कहिए कि वो गंगाधर जी के पास जाए, एक इवेंट मैनेजर बनके उनसे जाकर कहे कि लखनऊ में हो रहे एक लोकल शास्त्रीय संगीत समारोह में उन्हें इनवाइट किया जाता है। मेक श्योर कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को ये इनविटेशन मिले। जी मैडम सर। कल सुबह तक दोनों पति पत्नी दोनों हमें यहाँ लखनऊ में चाहिए, क्लियर? जी, क्योंकि यही एक तरीका है राधा को अपने खोए हुए परिवार से मिलवाने का। संतोष शर्मा। जी मैडम सर। दोनों के लिए होटल में रहने का अरेंजमेंट कीजिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। डोंट वरी मैडम सर, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। उन्हें गंगाधर जी और उनकी पत्नी, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा आप उनकी बात कर रही थी? बिल्कुल। सॉरी सॉरी, कोई तकलीफ नहीं होगी उन्हें। ओके। लखनऊ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और यहाँ आने की जहमत उठाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम हैं हसीना मलिक, इस थाने की SHO। नमस्ते। नमस्ते। रुकिए रुकिए, हमें आपसे कुछ पर्सनल काम है। ये हमारा छोटा भाई है इकबाल, दरअसल ये लखनऊ आइडल इस शो में हिस्सा लेना चाहता है। आप तो जानते ही हैं कि कितना बड़ा शो है, कितने काबिल और होनहार बच्चे आते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। गाता ये भी अच्छा है। हाँ। लेकिन गुरु बिना ज्ञान का, तो हम सोच रहे थे कि आप इतने नामचीन कलाकार हैं, अगर आप अपना हाथ इसके सर पे रख दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो क्या कहते हैं आप? देखिए प्लीज मना मत कीजिएगा, बच्चे का दिल टूट जाएगा। हम ता जिंदगी आपके एहसानमंद रहेंगे। बहन जी आप तो शर्मिंदा कर रही हैं मारे को। बेटा गाते हो ना, तो थोड़ा बहुत ही सही सुर का ज्ञान तो होगा ही। हाँ गुरु जी है ना, एकदम कैंची की तरह सुर लगते हैं हमारे। कैंची की तरह सुर चलते हैं भाई, कैंची की तरह तो जबान चलती है। लेकिन हमारे सुर भी चलते हैं। क्या है जब सुर को ऐसे कंघी से ऊपर की तरफ उठा के गोल्डन कलर करते हैं और फिर सीधा ऊपर करते हैं, क्या आप कहना, मतलब चमचमा जाते हैं सुर एकदम। बहन जी ये काई बोल रहा है ये? दरअसल इकबाल ने जहाँ से संगीत सीखा है वो सलून चलाते थे। हाँ। तो उनके साथ रहते रहते सीखते सीखते ये भी वैसी बातें करने लग गया। ओहो चलिए कोई बात नहीं बहन जी, संगीत तो फिर संगीत है, उस्ताद चाहे कोई भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। बेटा जरा सरगम गा के सुनाओ। जी गुरु जी। शागिर्द की शुरुआत देखिए। सारे गामा पधा निसा, सारे गामा, सारे गामा, इधर पधा निसा, 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 खत्म हो गया, इतना ही था। बेटा मारे को पूरा यकीन है, जिस तरह तूने अभी सुरों को उठा उठा कर फेंका है ना, जजेस भी तारे को शो में से वैसे उठा के बाहर फेंकेंगे। नहीं 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 सब, माफ कीजिए लेकिन प्लीज ऐसा मत कहिए, कुछ थोड़ा बहुत कुछ तो सिखा दीजिए इसे प्लीज। ना बहन जी मारे बस की बात, मारे
ये कौन बजा रहा है? वाह, इतनी मधुर, इतने मीठे सुर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। भाई, जो भी ये गिटार बजा रहा है उसको सुर की बड़ी समझ है। सर, सर, मेरा भाई इकबाल। देखते हैं, जब तक अटे लखनऊ में है एक कोशिश करेंगे, जरूर करेंगे। वाह बेटा। गुरुजी, अब हमें जाना होगा। करिश्मा दीदी हमारा इंतजार कर रही होंगी। वो हमें मार्केट ले जाने वाली है कंपटीशन के लिए नई ड्रेस लाने के लिए। जी, बहुत 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 शुक्रिया आपका। राधा, चले चलो। सर, वैसे शो के लिए, प्रमोशन के लिए फोटोज क्लिक करवाने हैं आपके। सनी ले जाएगा आपको। जी, अच्छी बात है। चलिए भाई, आइए। आप नहीं, आप बैठे रहिए। सनी चला जाएगा, हम हैं आपके साथ, हम रुक रहे हैं। हाँ, चलिए सर, आते हैं। हाँ, कोई बात नहीं। आप कुछ चाय कॉफी वगैरह कुछ लेंगी? जी नहीं, शुक्रिया। कैसा रहा आपका सफर? आप अकेले ही आए हैं या परिवार के साथ? जी नहीं, हम दोनों ही आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे कौन कौन है आपके परिवार में? आपके बच्चे? एक बेटा है मेरा। और एक बेटी थी, राधा। थी मतलब? खो गई कहीं पर। कैसे? कई साल पहले हमसे रूठ कर घर छोड़कर चली गई, फिर कभी वापस नहीं आई। जान सकते हैं क्यों रूठ कर गई? राधा को गाने का बहुत शौक था, गायिका बनना चाहती थी, लेकिन उसके पिता को ये पसंद नहीं था। दरअसल सदियों से ये परंपरा चली आ रही है, हमारे यहाँ लड़कियों को गाने की आज्ञा नहीं है, सिर्फ लड़के ही गा सकते हैं। पर राधा अपने पिता से छुपकर गाया करती थी। फिर एक दिन राधा के बाबा ने उसे गाते हुए देख लिया, बहुत नाराज हुए, गुस्से में हाथ भी उठा दिया। राधा दिल पे ले गई और घर छोड़कर निकल गई। आपने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन नहीं मिली वो। हमें एक बात समझ में नहीं आती है, इन सारी बंदिशों में लड़कियों को ही क्यों बांधा जाता है? क्यों उन्हें हर बार, हर जगह, हर मामले में लड़कों से कम आंका जाता है? हमें तो ये भी नहीं पता कि राधा जिंदा भी है। हौसला रखिए, आपकी बेटी मिल जाएगी। आपके पास राधा का कोई फोटो है? ये मेरे राधा का फोटो है। आपकी बेटी वापस आएगी, और इस बार ऐसे वापस आएगी कि उसके पिता को उस पर गर्व होगा। एक बेटी के बाप होने पर गर्व होगा, और ये बात वो पूरी दुनिया से कहेंगे। हम कुछ समझे नहीं, क्या आप हमारी राधा को वापस ला सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन इसके लिए हमें आपकी मदद चाहिए। हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी? कैसे करेंगी ये आप ही बेहतर जानती हैं।
लेकिन आपको अपने पति गंगाधर जी को लखनऊ आइडल में पार्टिसिपेट करने के लिए मनाना होगा। आप बस इतना सा काम कर दीजिए, हम आपसे वादा करते हैं कि शो खत्म होने से पहले आपकी बेटी आपकी आंखों के सामने होगी। आप गंगाधर जी को लखनऊ आइडल में हिस्सा लेने के लिए मना लीजिए, बाकी हम कर देंगे। वैसे इन्हें सब पसंद नहीं है, लेकिन लेकिन हम मनाएंगे, उन्हें लेकर आएंगे अपनी राधा के लिए। राधा, आप मेरी तरफ से फाइनल्स में आ रही है। वेलकम टू द फाइनल राउंड। आवाज मचा देगी, देख रही है लड़की। बिल्लू बिल्लू सुन, ये मैडम ये पकड़ो। थैंक यू। ए बिल्ला, कहाँ 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 क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो, पूरा बात तो सुनो हमारा। हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ। ये 500 रुपए, इसका रसगुल्ला लाओ और पूरे थाने को खिलाओ। और 500 रुपए लाओ? तो वो क्या तुम्हारे पर्सनल खर्चे के लिए दिए हैं हम? नहीं नहीं, इतने में आएगा नहीं ना, इसीलिए। इसमें आएगा, आएगा और इसमें पुष्पा जी का फेवरेट बर्फी भी आएगा। हमने सुना है बिल्ला, अगर खुशी का मौका होता है और अगर दुश्मनों को तुम भोग लगा दो ना, तो खुशी डबल हो जाती। तो हसीना मैडम के लिए भी मंगवाए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शो का फॉर्मेट ही कुछ ऐसा है कि कभी कहीं भी कोई भी शॉकिंग ट्विस्ट आ सकता है। इस शो में डायरेक्ट एक स्पेशल वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है जो सीधा फाइनल में परफॉर्म करेगी और बहुत जल्द फाइनलिस्ट का नाम अनाउंस होगा। तब आप भी मानेंगे कि ये नाम फाइनल में आने के लिए डिजर्व करता है। इन शॉर्ट, राधा के लिए लखनऊ आइडल का ये आखिरी पड़ाव थोड़ा सा टफ होने वाला है। अगर राधा को ये शो जीतना है तो उसे अपने आप को वाइल्ड कार्ड एंट्री से बेहतर साबित करना होगा। अब देखना ये होगा कि क्या राधा इस वाइल्ड कार्ड एंट्री को कम्पीट कर पाएगी। और देखने में ये भी दिलचस्प होगा, जो ये वाइल्ड कार्ड एंट्री आ रही है ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, ये संगीत की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। ये क्या बवाल है भैया, अब कौन आ रहा है? नहीं कोई नहीं आ रहा मैडम। कौन आ रहा है? नहीं मैडम सर ने किसी को नहीं बुलाया। मैडम सर ने बुलाया किसी को? जो तुम पेट पकड़ के खड़ी हो ना, उससे हमको बहुत कुछ समझ में आता है। क्या छुपा रही हो, जल्दी बताओ हमको। कुछ नहीं है मैडम। मैडम अंदर की खबर है, ये जो वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है बहुत बड़ी पहुंची हुई चीज है और राधा का ऐसे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पक्का कुछ छुपा रही हो तुम हमसे, बताओ हमको। ओ करिश्मा मैडम, आप भी ना किसी एक के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है। सुबह फटे दूध की चाय पी थी ना पुष्पा जी, इसलिए मैं आपको कहती हूँ बदनाम के पास आप चाय मत पिया करो। सुबह घर से क्यों नहीं पीकर आते आप? हमने नहीं, तुमने सुबह फटे दूध की चाय पी थी ना, इसलिए इसका पेट थोड़ा गड़बड़ा गया है ना। हाँ पुष्पा जी, और हम टोपा नहीं है, समझ आ गई? आपका ये ओवर एक्टिंग और ये जो पेट पे हाथ रख के खड़ी है हमको समझ में नहीं आ रहा है। सुनो तुम संतू, तुम्हारे पेट का मरोड़ना ट्रिपल हो जाएगा अगर तुम नहीं उगलोगी सच। पूरा दुनिया जानता है कि तुम्हारे पेट में बात नहीं पचता है, उगलो। नहीं मैडम, मैं कह रही हूँ ना, राजस्थान से तो कोई भी नहीं आ रहा। संतू चलो ना अंदर, हमें तुम्हारे साथ बहुत जरूरी बात करनी है। संतू कहीं नहीं जाएगी, संतू से अभी हम बात करेंगे। कौन आ रहा हमें जल्दी बताओ, राजस्थान से कौन आ रहा है? पुष्पा जी जाइए, आपके डेस्क पे फोन बज रहा है, उठाइए जाइए। अरे मगर हमें बात करनी है संतू से। फोन उठाइए प्लीज। हाँ जाते हैं। ना नौटंकी कैसे कर लेती है हमको समझ में नहीं आता है। मैडम सर सब गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? अपनी जड़ बुद्धि संतू जो है उसने करिश्मा मैडम को बता दिया है, आप राधा के पिता गंगाधर जी को लखनऊ आइडल के लिए लेकर आए हैं।
क्या? हाँ हमारी गलती है, हमने कहा था संतोष से कि ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। मगर आप तो जानती है ना उसके पेट में कौन सी बात कभी पचती भी है। जब तक वो मन की बात बताती नहीं ना, पेट में ऐसे ही मरोड़ उठते रहते हैं उसके। हाँ जैसे आपके उठते रहते हैं, जब तक आप बाहर का बात इस केबिन में नहीं ला देती आपका कौन सा हाजमा ठीक रहता है। नहीं मतलब और कुछ बताना तो बता दीजिए, हम बाहर जाते हैं। तसल्ली से बताइए फिर हम वापस आते हैं। जाए आप यहाँ क्या कहने आई हैं? कहने तो बहुत कुछ आए मैडम सर, लेकिन वर्दी की मर्यादा की बंदिश में बंधे हुए हैं हम। वरना जो काम आपने किया है ना वो कोई और करता तो हम इतना संयम नहीं रख पाते। जरा खुल के कहिए क्या कहना चाहते हैं। आप बहुत अच्छे से जानती है मैडम सर कि हम क्या कहना चाहते हैं। एक वो बेचारी बच्ची अपने प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, अपने परिवार को एक नया जीवन देना चाहती है। आपको वो सब दिखाई नहीं दे रहा है। अगर सिर्फ दिखाई दे रहा है तो सिर्फ अपना जिद किसी भी तरह ये प्रूफ करने का कि इस थाने में सिर्फ एक ही SHO है, SHO हसीना मलिक। कैसे कोई आपकी जगह ले सकता है, कैसे कोई आपसे आगे बढ़ सकता है, कैसे कोई सुपीरियर हो सकता है? क्योंकि सारे अच्छे और नेक काम का जो कॉपीराइट है वो तो सिर्फ आप ही को मिला हुआ है। तो फिर करिश्मा सिंह किसी बात का क्रेडिट कैसे ले सकती है? असंभव। दरअसल गलती मैडम सर आपका नहीं है, ये आप नहीं कर रही हैं, ये आपके अंदर जो इनसिक्योरिटी है ना ये आपसे करवा रही है। हमारा रख लीजिए आप क्रेडिट, लेकिन बच्ची के भविष्य के साथ मत खेलिए। मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं कैसे आप उस बच्ची के सामने इतना बड़ा दिग्गज ला दी है। हमेशा की तरह करिश्मा सिंह आप हमें गलत समझ रही हैं। नहीं नहीं मैडम सर, हमसे अच्छा आपको कोई नहीं समझता है यहाँ पे, खूब समझते हैं हम आपको। ये सब क्यों कर रही हैं आप मैडम सर? क्यों? सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि आप नहीं चाहती कि राधा जीते। क्योंकि अगर राधा जीत गई तो करिश्मा सिंह का भी जीत हो जाएगा, और ये तो हो ही नहीं सकता है ना। आप गुस्से में आकर अपना होश खो बैठती हैं और भूल जाती हैं कि आप कहाँ खड़ी हैं और किससे बात कर रही हैं। इसलिए फिलहाल आपको कुछ भी समझाना फिजूली नहीं, हमारे वक्त की बर्बादी भी है। आप जा सकती हैं। हाँ हम जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते आपको एक बात बताना चाहते हैं कि कल शो है जो राधा जरूर जीतेगी, जिसमें जितना दम हो वो अपना दम लगा ले। ये शो हम राधा को हारने नहीं देंगे। पंडित जी, इधर कहाँ जा रहे हैं आप? आपके तैयार होने के लिए ना मतलब इसे अलग कमरे का व्यवस्था किया गया है, आप हमारे साथ आइए। अरे मैडम जी आप कहाँ, आपके लिए अलग से कमरा। मैनेजर साहब इनको कमरा दिखाइए ना। आइए पंडित जी, वहाँ आराम कीजिए। आइए आइए आइए। काम हो गया, अभी कम से कम 2 घंटे इनको होश नहीं आएगा। बहुत अच्छा, बिल्ले सुन करिश्मा मैडम को फोन करके बताओ कि सारा काम हो गया है, है? और गलती से बिल्ले, गलती से भी अगर ये बात हसीना मैडम को पता चला ना बिल्लू। पागल? अरे पागल हूँ जो मैं ऐसा करूंगा? हाँ ठीक है बिल्लू यार, बस समस्या एक ही बात का है। अब धीरे धीरे जैसे ही खबर बाहर आएगा ना कि गंगाधर जी गायब हो गए हैं, तब हर एक नाका नुक्कड़ चौराहा पर नाकाबंदी लग जाएगा, तब इनको बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार बिल्ले। अगर हसीना मैडम के हाथ लग गए तो हम दोनों की खैर नहीं। बिल्लू यार बस समस्या एक ही बात का है। अब धीरे धीरे जैसे ही खबर बाहर आएगा ना कि गंगाधर जी गायब हो गए हैं, तब हर एक नाका नुक्कड़ चौराहा पर नाकाबंदी लग जाएगा, तब इनको बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार बिल्ले। तो क्या करें? क्या करें मतलब, तुम चोर हो, तुम सोचो क्या करें। मैं चोर था मैं चोर, अभी मैं चोर नहीं हूँ। अभी दोबारा मुझे चोर बोला ना तो मैं छोड़ के चला जाऊँ। ठीक है भाई, नहीं बोलते चोर तुमको। सोच भाई मिलने का करना है आराम से। बिल्ले तुमको बिल्ले, वाह यार बिल्ले यार, तुम्हारा पूरा खोपड़ी खाली दिखता है भाई, लेकिन क्या मस्त जुगाड़ लगाए हो यार तुम। अरे अपनी पहचान सब जगह है भाई, इसलिए अपन बिल्लू द स्पाई। ए तू आगे चल चल, तू आगे बढ़, गाड़ी निकल। पंडित जी स
संतोष जी, एक घंटे में लखनऊ आइडल का फिनाले शुरू होने वाला है, आज बैठ के देखेंगे लाइव, ठीक है? ओह, मुझे थोड़ा सा काम है, वो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर देखते हैं, ठीक है? हसीना मैडम, हसीना मैडम कहाँ, जल्दी बताइए। हाँ, वो अभी तो नहीं है फिलहाल, आप बैठिए, इत्मीनान से बताइए, तब तक आ जाएंगे वो देखो आ ही गई। जय हिंद। शांति जी, क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? मैडम, वो हमारे पति गंगाधर जी। क्या हुआ उन्हें? वो कहीं मिल नहीं रहे। क्या मिल नहीं रहे, मतलब आपने फोन किया उन्हें? क्या मैडम, लगातार कर ही रहे हैं, उनका फोन बंद आ रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। उधर वो शो वाले कह रहे हैं कि अगर एक घंटे के भीतर वो स्टेज पर नहीं पहुंचे तो ये मानकर कि उन्होंने अपनी हार मान ली है, उनके विरोधी गायक से अकेले प्रदर्शन करवा कर उन्हें विजेता घोषित कर देंगे। विजेता कोई भी बने, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गंगाधर जी पे ये इल्जाम लगे कि उन्होंने हार मान ली है, ये अच्छा नहीं होगा, उनकी बहुत बदनामी होगी। उनके लाखों प्रशंसक है सबके बीच में, उनकी छवि धूमिल हो जाएगी। मैडम, हमें लगता है कि कोई गड़बड़ जरूर है, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि इस अनजाने शहर में वो हमें इस तरह से अकेला छोड़कर चले जाए। आप प्लीज शांत हो जाइए, रिलैक्स, हम आपके पति को ढूंढ लेंगे, ठीक है? प्लीज संतोष शर्मा, पानी। मैडम सर, आज सुबह मेस में पानी नहीं आया, कल जो रात को भर के रखा था ना, उसी से आज सुबह नहा कर आई हूँ मैं। संतोष शर्मा, पीने का पानी। पीने का पानी तो कल रात को ही खत्म हो गया था, आज सुबह इतनी प्यास लग रही थी, यहाँ पर आकर पानी पिया फिर। संतोष शर्मा, इन्हें पीने का पानी दीजिए। सॉरी सॉरी मैडम सर, एक मिनट, ये लीजिए। पुष्पा जी। जी मैडम सर। आसपास जितने भी पुलिस स्टेशन है और चौकी है, वहाँ पर गंगाधर जी का फोटो भिजवाइए जी, और उनसे कहिए हाई अलर्ट पर रहे, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें खबर दें। जी संतोष शर्मा। जी मैडम सर। जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पर जाके वहाँ के रीसेंट सीसीटीवी फुटेज निकालिए, सबको अच्छे से चेक करिए, देखिए क्या पता लग सकता है गंगाधर जी के बारे में। यस मैडम सर। सनी चड्डा जी, आपको अपने न्यूज चैनल पर हर 5 मिनट में गंगाधर जी का फोटो दिखाना होगा और ये खबर देनी होगी कि वो गायब हो चुके हैं, जैसे ही कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती है आप प्लीज तुरंत हमें इन्फॉर्म करिए। काम हो जाएगा मैडम। थैंक यू। करिश्मा सिंह। जी मैडम सर। हमें आपकी भी मदद चाहिए, ये शांति जी हैं, जोधपुर के प्रख्यात संगीत गुरु गंगाधर जी की पत्नी। नमस्ते। नमस्ते। और जैसा कि आप सुन चुकी हैं, इनके पति लापता है, हम चाहते हैं कि आप अपने नेटवर्क के जरिए पता लगाइए, देखिए इनके पति के बारे में क्या पता लगा सकती हैं। जी मैडम सर, पता करते हैं। जय हिंद मैडम सर। पुष्पा जी, गंगाधर जी के बारे में कुछ पता चला? कुछ भी नहीं मैडम सर। अम्मा तुम अपने घर में होगी मधुमिता, हमारे लिए वही मधुमक्खी हो जो किताबों में लगी रहती थी। अरे हमारा बढ़िया चल रहा है, तुम बताओ तुम्हारा कैसा चल रहा है? पुष्पा जी। जी मैडम सर। ये बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा वाली सिचुएशन तो नहीं हो रही हमारे साथ? जी हमको समझे नहीं, मतलब हम करिश्मा सिंह को जितना जानते हैं वो मिजाज की कैसी भी हो लेकिन अपने काम को लेके बहुत ही पक्की है और समर्पित है, जब तक कोई केस सॉल्व नहीं हो जाता वो चैन से नहीं बैठती। हाँ तो मैडम सर, लेकिन इनकी बातें सुनकर ऐसा लग नहीं रहा है, इनकी बातें सुनकर इनका ये बेफिक्री का एटीट्यूड देखकर हमें लगता नहीं है कि ये गंगाधर जी को ढूंढना चाहती हैं। बात तो आप बिल्कुल सही कह रही है मैडम सर, वरना ये एक जगह पर बैठ जाए वो भी नया केस मिलने के बाद, असंभव। मैडम सर, कहीं आपका इशारा इस तरफ तो नहीं कि गंगाधर जी को इन्होंने गायब किया है? क्यों ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, इनके कुराफाती दिमाग में कब क्या चलता है खुद इनको ही नहीं पता होता है। एग्जैक्टली पुष्पा जी, अगर हमारा शक सही है, अगर करिश्मा सिंह ने ही गंगाधर जी को किडनैप किया है तो हमें ये पता लगाना होगा कि वो अभी है कहाँ। संतोष शर्मा कहाँ? नहीं 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 नहीं, वो एक काम करती हूँ मैडम सर को सच बता देती हूँ कि गंगाधर जी कहाँ है, नहीं पेट दर्द मार देगा मुझे। संतू
नहीं 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 करिश्मा मैडम को पता चलेगा तो मेरा अचार बनाकर धूप में सुखा देगी। सोच 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 क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। सच बताऊंगी तो करिश्मा मैडम मार देगी, नहीं बताऊंगी तो पेट दर्द से मर जाऊंगी। सोच संतू सोच क्या कर सकती है, क्या कर सकती है। अगर 15 मिनट में गंगाधर जी ने एंट्री नहीं ली तो मजबूरन राधा की सोलो परफॉर्मेंस करा के हमें उसे शो का विनर डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैडम रिलैक्स रिलैक्स, हम कुछ। हेलो पुष्पा जी, अपडेट? मैडम सर, हम गंगाधर जी को लेकर आए हैं मगर ये तो बेहोश है और चीता कह रहा था कि अभी और आधा घंटा लगेगा इन्हें होश में आने के लिए। आधा घंटा नहीं है हमारे पास, अगर 15 मिनट में गंगाधर जी यहाँ नहीं पहुँचे तो उन्हें इस कॉम्पिटिशन में से निकाल दिया जाएगा। कुछ भी करिए आप उन्हें यहाँ लेकर आइए जल्दी। हाँ हाँ जी मैडम सर, हम कुछ कोशिश करते हैं जी। गंगाधर जी, गंगाधर जी, क्या करें इन्हें? मैं गई पुष्पा जी गंगाधर जी पकड़ नहीं सकते थे सनी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। गंगाधर जी, गंगाधर जी, पुष्पा जी क्या कर रही है? ये उठाकर अंदर भी तो लेके जाना पड़ेगा ना। 15 मिनट के अंदर अगर ये स्टेज पर नहीं गए ना तो गड़बड़ हो जाएगी। पर लेकिन इनको चुप रहो। तो गंगाधर जी, आप जहाँ कहीं भी हैं आप गेट नंबर 1 पर रिपोर्ट कीजिए, 15 मिनट में आपकी एंट्री है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ कहीं भी हैं गेट नंबर 1 पर आप प्लीज कॉन्टैक्ट कीजिए। संतु हाँ बोल दो, गंगाधर जी एंट्री के लिए तैयार है। गंगाधर जी एंट्री के लिए तैयार है। जड़े बुद्धि यहाँ नहीं, गेट नंबर 1 पे जाके बोलो जाओ। और सनी तुम जाओ और करिश्मा मैडम को बातों में व्यस्त रखो। जाओ ठीक है। करिश्मा मैडम। हेलो जी। पुष्पा जी ये रेडी कहाँ, ये तो बेहोश है। मैं जितना बोला है उतना करो ना माता जी। माता जी हाँ तो आंटी जी, जाओ जल्दी जाओ। और सुनो 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 हाँ। वो मैनेजर को बोलना यहाँ गाड़ी की तरफ देख। ठीक है हाँ। मैनेजर सर एक सेकेंड आप यहाँ आएंगे। गंगाधर जी एंट्री के लिए रेडी है। कहाँ है? वो देखिए वहाँ पे गाड़ी में। ये गंगाधर जी तो लग ही नहीं रहे हैं। नहीं लग रहे हैं? अब फिर से देखिए आप, देखिए देखिए वही है वो। हाँ गंगाधर जी तो हैं, लेकिन ऐसे? वो संगीत की साधना में हैं, तो वो आंखें खोल के बातें नहीं कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप उनको अंदर लेकर आइए, उनकी इंट्री मैं कर देता हूँ। ठीक है मैं लेकर आती हूँ। टोपा होगा तुम, एक जगह खड़े होकर इंटरव्यू नहीं ले सकते। अरे आप इस एंगल से क्या लग रहे हैं पता है, एकदम मस्त झकास एकदम। फाइल करिए ना। हेलो नमस्कार, लखनऊ आइडल के इस फाइनल राउंड में मैं आकाश आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जी हाँ, इस वक्त सभी की धड़कनें थम चुकी हैं क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि आज का रिजल्ट क्या होगा, यानी कि इस साल बेस्ट सिंगर की ट्रॉफी किसके हाथ जाएगी, राधा के या फिर गंगाधर जी के। तो आइए लुत्फ उठाते हैं इस संगीतमय शाम का और अब से 5 मिनट में हमारे दोनों महान सिंगर स्टेज पर मौजूद होंगे और आपको बहुत ज्यादा एंटरटेन करने वाले। 5 मिनट संतू, सिर्फ 5 मिनट? 5 मिनट है अभी और कैसे क्या करेंगे आप? जीते मैं क्या बोलता हूँ, हम कट लेते हैं। नहीं पुष्पा जी ने मदद मांगी तो उनको मदद करनी पड़ेगी और उनको हम मदद कर रही है। करिश्मा मैडम को पता चल गया तो करिश्मा मैडम हमारी मदद के लिए 4 आदमी भेजेंगे ही, हम दोनों को चीता पे लिटा देंगे। सही बोल रहे यार बिल्ले, मतलब इधर कुआं उधर खाई। हाँ भाग बेटे, आप बताए भाग में जा, मैं खाई में जाता।
जीते बिल्लू ये नालायक दोनों तो भाग गए, अब क्या करेंगे? संतु अब लगता है हमें इन्हें अंदर लेके जाना पड़ेगा। हाँ पुष्पा जी मुझे माफ कीजिए, करिश्मा मैडम को पता चलेगा ना आफत आ जाएगी, मैं तो नहीं करूंगी कुछ। अरे गुड़ मगज, उन्हें कैसे पता चलेगा? वो देखो पीछे सनी है ना, उन्हें बातों में लगाया हुआ है। गंगाधर जी अम्मा उठिए ना, अभी उठिए। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गाने का समय आ गया है। गाने का इनको क्या हुआ है? आपसे कहा था ना मैंने, संगीत की साधना में है वो, तो आंखें खोल के बातें नहीं कर सकते। हाँ हाँ ठीक है, आप लेके जाइए। शुक्रिया शुक्रिया, चलो 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 चलो। इस महामुकाबले में अपनी बेजोड़ गायकी से आप सभी का दिल जीत लेने वाले सुप्रसिद्ध गायक गंगाधर आचार्य जी। कुर्सी 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 संतु कुर्सी। अरे इन्हें इन्हें बिठा दे। सॉरी 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 गंगाधर जी। हेलो बेटा, अब ज्यादा सवाल जवाब नहीं, इनको उठाओ। गंगाधर जी उठिए, आंखें खोलिए। हाँ हाँ जागे जागे जागे। संतु संतु पानी पानी पानी। हम ना एक पहले पानी। संतु पानी ही। हाँ लो लो लो। ओहो ये लीजिए पानी 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 पीजिए पानी पीजिए। हाँ देखिए हम ना अभी लखनऊ आइडल जो चल रहा है ना उसके स्टेज के पीछे हैं, और अभी स्टेज पर आपका नाम भी पुकारा गया है। पानी पीजिए और स्टेज पर जाइए। हाँ लखनऊ आइडल के स्टेज पे जाइए जाइए। कटे जा चल। इस महामुकाबले में हमारे पार्टिसिपेंट्स को आजमाया भी एक अलग अंदाज में जाएगा। इन दोनों पार्टिसिपेंट्स के सामने एक कैंडल होगी जलती हुई। कहते हैं अगर दिल और सुर से गाया जाए तो कैंडल की लौ को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ऐसा होता है और लौ बुझ जाती है तो जिस पार्टिसिपेंट की गायकी के दौरान लौ सबसे ज्यादा देर तक जलेगी वो कहलाएगा इस महामुकाबले का विजेता। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा सुप्रसिद्ध गायक आचार्य गंगाधर जी को। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति यहां पर गंगाधर जी ने दी और समा बांध दिया सर आपने। गंगाधर जी आपने बहुत अच्छा गाना गाया। गंगाधर जी की गायकी के दौरान ये मोमबत्ती की लौ 1 मिनट 10 सेकंड तक जलती रही, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हमारी अगली कंटेस्टेंट क्या इस चुनौती को पार कर पाएंगी। चाहूंगा कि हमारे जजेस खुद ही अनाउंस करें कि लखनऊ आइडल इस साल कौन बनने जा रहा है। इस साल के लखनऊ आइडल के विनर है नन अदर देन राधा। जी अपनी राधा
जानता हूं, पहला सुर सुनते ही समझ गया था कौन है। कांग्रेचुलेशन बेटा। चलो ऑल द बेस्ट बेटा। राधा, देखो तुमसे मिलने कौन आया है।